हमने कहा था ना बिना बालों के वो टोटका पूरा नहीं हो सकता। कोई एहसान कर देगा तो तुम कुछ भी कर दोगी। तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो मैंने तुझे इतनी छूट दी, हमने सोच लिया हमें क्या करना है। फोन क्यों मारा? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। काय सिलाई मशीन के साथ में अपनी जवानी खराब कर रही है। अरे हमसे शादी कर ले। हम कितनी बार बोले हमारा पीछा छोड़ दे। तू कितनी भी कोशिश कर ले, हम तुझसे तो शादी नहीं करने वाले। तू अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, तू कोई अफसर तो आएगा नहीं तुझसे शादी करने के लिए। हैं? अब एरा गेरा ना तू कह रहा आएगा शादी करने के लिए, तो उससे क्या हम बुरे हैं क्या? सच कहें, हमें तो शादी ही नहीं करनी है और हम अकेले ही खुश है। ये तेरा सपना है ना हमसे शादी करने का, वो सपना ही रह जाएगा। दीदी सूट सिलवाना है, नाप ले लो। हाँ तुम अंदर जाओ, हम आते हैं। एक मान जा हमारी बात, कर ले हमसे शादी। अरे कर ले हमसे शादी, थे हमारे तेरे को ना रानी बना के रखे। हमारा हाथ छोड़ो पीयूष, हम तब से तुम्हारे बकवास सुनते जा रहे, काम धंधा नहीं है क्या? अरे सुनना हमारी। अब जाओगे कि चप्पल से भगाओ? भाग। जा रहा हूँ मैं, ठीक है, घबराता नहीं हूँ। लेकिन अलका, अरे सुन ले, घोड़ी पे आएंगे हम, दूल्हा बनकर तेरा और डोली में लेके जाऊंगा। अलका अलका बाबा शाह फुकीरा, हेलो बाबा शाह फकीरा। हाँ बाबा जी, आंटी आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसे हो तुम? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस बस ठीक। जल्दी से अपना मुंह खोलिए। अरे खोलिए तो, ये मुंह मीठा कीजिए। पर जीते रहो, मीठा ही किस खुशी में? आंटी मेरी सरकारी जॉब लग गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे आपको पापा का दिया हुआ वादा तो याद है ना? हाँ हाँ याद है मुझे, तेरी और मीनू की शादी का वादा ना। मैं तो बस तुम्हारे नौकरी लगने का इंतजार कर रही थी, अब नौकरी भी लग गई है, अब जल्दी से तुम दोनों की शादी करा दूंगी। आंटी आज मैं मीनू से अपने दिल की बात कहूंगा। अरे वाह, वैसे है कहाँ, ये दिखाई नहीं दे रही? वो अलका के पास गई है, उसके कुछ कपड़े सिलाने हैं ना। चलो आओ मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। अच्छा
ये कस्टमर और मौत इनका कुछ नहीं पता, कभी भी आ जाते हैं। लो आ गई। विजय तुम कब आए? ये ले, पहले मुंह मीठा कर। किस खुशी में? बता दूं आंटी, अरे मेरी जॉब लग गई। सच? हाँ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तुम इस मीनू माथुर, विल यू मैरी मी? अरे सोच क्या रही है? हाँ बोलना। देख बेटा, बचपन से ही तुम दोनों साथ में खेले कूदे हो, अब टाइम आ गया है उम्र भर के लिए बंधन में बंधने का। मीनू मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन भी रही है या नहीं? हाँ बोल दिया उसने। शादी तो हम तुझसे ही करेंगे अलका। एक हफ्ते के भीतर ही तेरी मुराद पूरी हो गई ना? बाबा तेरे साथ है। बाबा कपड़ा ले आए हैं उसका, और ये रहा फोटो, सुंदर है ना? अब कैसे भी करके ना इसको ना हमारे प्यार में पटक दीजिए। बहुत जल्दी ये तुम्हारी हो जाएगी। हाँ मेरे परवरदिगार, इस लाए बाबा आपको 5,000 दिए थे हमने, अब 5,000 ना काम होने के तुरंत बाद दे देंगे। हमने कहा था ना इस काम के लिए पूरे 10,000 रुपए लगेंगे। बाबा हम आपको ना 5 की जगह 6 देंगे बोनस, आप बस काम को शुरू कर दीजिए। ठीक है। उस लड़की के बाल कहाँ हैं? हमने कहा था ना बिना बालों के वो टोटका पूरा नहीं हो सकता। जाओ पहले बाल लेकर आ। बाल? हाँ हम लेकर आते हैं, बस आप काम ना शुरू करिए, शुरू करिए। बाल बाल बाबा तेरे साथ है। तेरे ससुराल वाले तो तुझे तलाक देने को बोल रहे थे, अब अचानक से तेरा पति कैसे यहाँ आ गया? ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे वो बाबा की वजह से। हाँ हमने भी सुना है, वो साधना में बैठे और चमत्कार हो गया। क्या बात है, चलो ब्लाउज देती हूँ मैं। बच्चे कैसे? गुल खिले गुलशन खिले, खिली गालों की लाली, हमारे सामने है हमारी वाली। कर लो ना हमसे शादी। शादी? चप्पल नहीं, चप्पल नहीं, चप्पल नहीं, चप्पल नहीं।
अरे प्यार की निशानी दी है तुमने, सजा कर रखेंगे इसको। तुम क्या देख रहे हो, पैसे दो मेरे। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते। क्या हो गया? तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बात तो हम कर ही लेंगे, पहले वो कर ले जो हम कल अधूरा रखा था। जय ने कल मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। क्या? और तुमने क्या कहा? क्या कहती? हाँ कह दिया। हाँ कर दिया। नाम ही तो कह सकती थी ना। पर कैसे? हम दोनों का रिश्ता माँ ने बचपन में ही तय कर दिया था। और वैसे भी उसके पापा के हम पर बहुत एहसान है, यहाँ तक कि आज भी हम उनके दिए हुए घर में रहते हैं। तो कोई एहसान कर देगा तो तुम कुछ भी कर दोगी? मना कर दो इस रिश्ते के लिए। ठीक है, कर दूंगी मना। लेकिन उसकी बात क्या, माँ को क्या बोलूंगी कि मुझे लड़के पसंद नहीं है, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें क्या लगता है कि समाज हमारे रिश्ते को स्वीकार करेगा? अरे स्वीकार करना तो बहुत दूर की बात है, लोगों को पता चलेगा तो हमारा जीना दूभर कर देंगे। तो तुम अब क्या करोगे, मुझे छोड़ दोगी? मैं नहीं छोड़ सकती, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तुम कोई रास्ता निकालो ना।
कुछ रास्ता निकालती हूँ। और तुमको भी तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं और जहाँ हमें कोई जानता भी ना हो और हम बहुत खुशी से रहेंगे। सुनो, कहाँ कोई हो? लो पियो। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या मतलब शादी नहीं करनी? तेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? देख, अगर हो ना तो मुझे साफ साफ बता दे तू। माँ, मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। कहाँ मेरी कसम, कैसे बात कर रही हो? मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, आपकी कसम। मैं तो डरी गई थी। पर ये बता, तू शादी क्यों नहीं करना चाहती? मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं जैसे बात करती हूँ, अब खुश है? सच्ची? तूने हमें मारा? तेरी इतनी हिम्मत? तू मेरे घर के अंदर घुसाया? पता है गलती मेरी है, जो मैंने तुझे इतनी छूट दी। छूट छूट तो नहीं दी तुमने। अरे कब से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं हम, तुम बहुत सच्चा प्यार करते हैं, एकदम राजा रानी वाला। हमसे प्यार कर लो? तुझे समझ नहीं आता क्या, हम तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तू ऐसा नहीं मानेगा ना, मैं सबको बुलाती हूँ और तेरा जुलूस नहीं निकल पाया ना, मेरा नाम अलका नहीं है। निकलवा लो जुलूस। अरे निकलवा लो। लेकिन हमें ना सब पता है मीनू की और तुम्हारी प्रेम कहानी के बारे में। क्या बकवास कर रहा है तू? लड़की लड़की की प्रेम कहानी। अब जब लोगों को पता लग जाएगा ना तो जुलूस तुम्हारा निकलेगा, लोग बताए क्या बोलेंगे? गुड़ 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 गुड़। ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है, बकवास नहीं कर रहे हैं, सबूत साथ लेके चलते हैं, दिखाए। तुम्हें तुम्हारा वीडियो दिखा है चुम्मा चाटी वाला। अब पता है क्या होगा, तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं, तुम्हें तो हम संभाल लेंगे, लेकिन मीनू का क्या होगा? उसकी माँ और वो तो सदमे से मर जाएगी। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो बचपन से ना तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे प्यार को ही चाहते हैं। हमें नहीं है परवाह कल का, हमरे पास है अलका। हेलो जी बाबा जी। अरे बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर उसके बाल नहीं भी मिले ना तो भी काम गारंटी के साथ हो जाएगा, बस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अरे बाबा जी हमें ना आपकी साधना की जरूरत ना है अब। अरे हमने हमारी साधना ना स्वयं ही कर ली है, अलका ना पूरी तरह से वश में है हमारे। हाँ। अलका। इसने खुद ही साधना कर की। अरे अलका बेटा, बड़े दिनों बाद आई तुम। वो क्या है ना, दिवाली आ रही है तो सिलाई का काम बहुत है, टाइम ही नहीं मिलता। वैसे मैं मीनू के लिए कुर्ता लेके आई थी, वो कहाँ है? मीनू, मीनू देख अलका ही है।
वो अपने कमरे में आती। लो आ गई, तुम दोनों बातें करो, मैं जरा मार्केट जाकर आती। मीनू, हमने सोच लिया हमें क्या करना है। क्या? हम दोनों यहाँ से दिल्ली भाग जाएंगे। वैसे भी हमें वहाँ कोई नहीं जानता और हमारे रिश्तों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बहुत खुश रहेंगे। सच? बस हमें 2 दिन दे दो, हम पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। हम तैयार हैं। अरे कहाँ गए सब लोग? सिला है, मैं इसके पैसे तुम्हें दुकान पे दूंगी आके, ठीक है? कौन है दरवाजे पे? कौन है? जय, तुम आओ ना, बैठो। मैं आती हूँ। आंटी ने बताया था कि तुम्हें अभी शादी नहीं करनी। हाँ, वो मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं समझ गया कि तुम्हें टाइम क्यों चाहिए। पता है मीनू, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर होगा। तुम्हें लड़कियां पसंद है? नहीं नहीं जय, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें गलत लग रहा है जय, ऐसा नहीं है। अरे झूठ मत बोलो यार, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें, तुम दोनों के बीच में। देखो मैं समझता हूँ कि ये सब इस चीज में होता है, लेकिन तुम्हारा और अलका के बीच में जो कुछ भी है ना, वो प्यार नहीं है यार, वो सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। ठीक है मैंने, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। तुम अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लो कि तुम्हें करना क्या है। इसके बाद अगर तुम्हें जो कुछ भी लगता है ना कि अगर तुम अलका के साथ खुश हो, तो मैं यकीन मानो मैं खुद जाके आंटी से कहूंगा कि मैं शादी नहीं करूंगा। जय, बस माँ को ये बात मत बताना प्लीज। ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सोचना, ये पूरी जिंदगी का फैसला है मीनू, प्लीज। देख अलका, शादी कर लो हमसे, देखो सारी कमी तो हम पूरी कर ही देते हैं, और क्या कमी है हमने। तुझे एक बार बात समझ नहीं आती क्या? तुझे पता है ना हम मीनू से कितना प्यार करते हैं, तुझसे शादी तो दूर की बात है, मुझे लड़के ही नहीं पसंद। मत कर हमसे शादी, लेकिन सुन एक काम कर दे हमारा। क्या काम? हमें ना मीनू भी बढ़िया अच्छी लगी,
एक बार दिला दो। शर्मा, गांव वालों का कहना है कि इसके परिवार में कोई नहीं है, अकेली रहती थी। हो सकता है किसी लड़के वड़के का चक्कर हो। आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। जी, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। पूछताछ किस बारे में? आपकी पड़ोसी अलका के बारे में। उसका खून हो गया। क्या? अलका का? हमें अलका की लाश गांव के बाहर जंगल के पास मिले। आपकी पड़ोसी हैं, काफी कुछ जानती होंगी उसके बारे में। अब उसके परिवार से कोई भी नहीं है, वो अकेली ही रहती थी। बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी। पता नहीं क्यों कोई मारेगा उसे। कोई ऐसा जिससे उसकी दुश्मनी हो जो ये खून कर सकता? ऐसा तो कोई भी नहीं लगता था। आपको देख के लगता है कि आप काफी करीबी थी अलका के। ये दोनों बचपन से बहुत केले खुदे एक दूसरे के साथ, इसलिए इसे बहुत बुरा लग रहा है अपने दोस्त के लिए। अलका ने कभी आपको बताया कोई उसे परेशान कर रहा हो, या जिससे उसकी दुश्मनी हो, या जिससे उसको डर लगता हो? सर, मुझे पीयूष पे शक है। पीयूष? कौन है ये पीयूष? गांव में ही रहता है, आवारा है, एक नंबर का। लेकिन वो खून क्यों करेगा? तब कोई कारण तो होना चाहिए। सर, वो अलका के पीछे पड़ा हुआ था, उसे शादी करना चाहता था, लेकिन अलका उसे घास तक नहीं डालती थी, उसे खरी खोटी सुनाती थी। शायद उसी गुस्से में उसने उसे। शर्मा, इस पीयूष को उठा कर लाओ पूछताछ के लिए। मीनू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुमने मुझे पाने के लिए अलका को खून कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। पागल हो गई गौतम, मैं क्यों मारूंगा अलका को? और मैं तो कल गांव में था भी नहीं, शहर गया था काम से। मैं अलका को क्यों मारूंगा? देखो मीनू, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम पे क्या गुजर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अनाप शनाप कुछ भी कहोगी। तुम नहीं समझते, तुम कुछ भी नहीं समझते। अगर तुम मेरी फीलिंग समझते होते ना, तो यूं शादी के पीछे नहीं पड़े होते। अरे जय, तुम कब आए? बस अभी आए आंटी, आप कैसे हैं? बस ठीक, खुश रहो। अरे मीनू, जय को चाय पानी कुछ दिया कि नहीं? नहीं आंटी, अभी बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का मन नहीं है। मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था कि हाँ, वो मैंने सगाई की तारीख निकलवा ली है, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकला है। वो मीनू कह रही थी कि अभी उससे शादी नहीं करनी है। तुम्हें फोन पे बताया था ना मैंने? अरे नहीं आंटी, मीनू को कोई परेशानी नहीं है, मैंने तो मीनू से पूछ के ही मुहूर्त निकलवाया है। क्यों मीनू, सही कहा ना मैंने? पूछ लीजिए आप। क्या हुआ, ताला नहीं तोड़ा? नहीं सर। नहीं, इंतजार किसका कर रहे हो? तोड़ो। कांस्टेबल, ये तो पीयूष है ना जिसे हम ढूंढ रहे थे? यस सर। जिस
जिसे हम कातिल समझ रहे थे वो तो खुद मारा पड़ा है, लेकिन ये अलका के घर पे कैसे? हो सकता है जिसने अलका को मारा हो उसी ने इस पीयूष को मारा हो। यस सर। हो सकता है ये फोन अलका का हो या पीयूष का, इसका डेटा रिकवर करो। यस सर। ये खास तरह का टोटका होता है जो सिर्फ पूनम की रात को होता है, वो भी शमशान में ताजा मुर्दे की छाती पर बैठकर। या मेरे मौला करमजा, बस बाकी के टोने टोट के तू जेल में करना, और उसके पहले होगी थाने में तेरी जम के इबादत। शर्मा अरेस्ट करो। साहब मैंने क्या किया? खून किया है तूने, वो भी एक नहीं दो दो। अलका और पीयूष दोनों को मारा है तुम? नहीं सब ये झूठ है। ये झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जब हमें अलका की लाश मिली तो उसके माथे पर सिंदूर था, इसका मतलब साफ है कि उसके साथ में कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया जरूर की गई थी। और पीयूष की कॉल डिटेल्स में हमें तेरा नंबर मिला, मतलब तू अलका और पीयूष दोनों के टच में था, और दोनों की मौत भी एक ही दिन हुई। इसका मतलब साफ है कि उनकी मौत से तेरा कुछ ना कुछ तो लेना देना है। पीयूष के मोबाइल में हमें एक वीडियो भी मिला है, नीतू और अलका का। कहीं ये वीडियो ही तो कारण नहीं है उन दोनों की मौत का? देख, अगर तू चाहता है कि हम तेरी हड्डियां ना तोड़े तो सब कुछ साफ साफ बता दे जल्दी से जल्दी। ऐसे नहीं बताएगा शर्मा, जरा इसकी जम के खातिरदारी करो तब बोलेगा। नहीं, बता दो, बता दो, सब बताता हूँ। सब कसम खाता हूँ, मैंने पीयूष को नहीं मारा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पीयूष मर चुका है, लेकिन अलका को मैंने ही मारा है। आप सच बोल रहे थे साहब, अलका और मीनू का रिश्ता ही अलका की मौत का कारण है। दरअसल अलका अपना जेंडर चेंज कराना चाहती थी, और उसे लगता था कि मैं अपनी रूहानी ताकत से उसका जेंडर चेंज कर दूंगा, उसे मर्द बना दूंगा। वो उस रात वो मेरे पास आई तब या मेरे मौला कर मदद, या परवरदिगार इसे औरत से मर्द बना दे, इसे हर वो शौक करना जो एक मर्द को चाहिए। धीरे धीरे तेरा जिस्म मर्द में बदलता जाता है, धीरे धीरे। उसके बाद मैंने उसकी लाश को सड़क पर फेंकी। क्यों मारा उसको? हाँ बोल, क्यों मारा? वो उसके कहने पर। किसके कहने पर मारा था? वो उसके। मीनू प्लीज तैयार हो जाओ ना, क्यों जीत कर रही हो? देखिए ना आंटी, कब से कह रहा हूँ कि चल तैयार हो जा, सगाई की खरीदारी करने शहर जाना, लेकिन मान ही नहीं रही है। ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठी है? जा, जाकर तैयार हो, जय के साथ जा। कितनी बार बोलूं आप लोगों को, जिसे जहां जाना है चले जाओ, पर मुझे भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। सर अलका के कातिल का पता चला कुछ? पता चल गया है, उसी को अरेस्ट करने के लिए आए। अलका का खून किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी मां सुजाता ने किया है। ये आप क्या बोल रहे हैं?
ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी को नहीं मारा। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है सुजाता, तुम्हारे तांत्रिक बाबा ने सब कुछ कबूल कर लिया है और अब जुर्म कबूल करने की बारी तुम्हारी है। बोलो क्यों मारा उसे? माँ बोलो ना, माँ बोलो ना, आपने नहीं किया ये सब। हाँ, मैंने उसे मरवाया क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। उस दिन जब वो घर आई थी मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। हमने सोच लिया हमें क्या करना है। क्या? हम दोनों यहां से दिल्ली भाग जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी बेटी एक लड़की से प्यार करती है। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा पर सीधा अलका के पास चली गई मैं। अलका समझने की कोशिश करो, लोग क्या कहेंगे? समाज को अगर पता चला तुम दोनों के संबंध है तो तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे और मीनू के रिश्ते के बारे में कौन क्या सोचता है। हम मीनू से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत खुश रखेंगे, पर हमें भी पता है कि मीनू हमसे उतना ही प्यार करती है जितना हम उसे करते हैं। आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचिए। अब टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब सही कर दूंगी। हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे जहां पे हमें कोई नहीं जानता हो। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो आप भी हमारे साथ चल सकती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैं तांत्रिक बाबा के पास चली गई। बाबा आपके वजह से जय को नौकरी तो लग गई पर एक नई मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत? वो मेरी बेटी मीनू, उसका एक लड़की के साथ संबंध है और मैं चाहती हूँ कि उसका छुटकारा हो जाए उस लड़की से ताकि मैं मीनू की शादी जय के साथ करा सकूं। इसका मतलब तुम उस लड़की से छुटकारा पाना चाहती हो? हाँ। काम हो जाएगा लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे 1,00,000 रुपए देने होंगे। बोलो दे पाओगी? 1,00,000? ठीक है बाबा, दे दूंगी मैं। ठीक है, हम जैसा कहते हैं वैसा करो। आज रात उस लड़की को हमारे पास लेकर आओ। जी बाबा। कर मदद परवरदिगार, बाबा तेरे साथ है। या मेरे मौला परवरदिगार, बाबा तेरे साथ है। फिर मैंने अलका से कह दिया तांत्रिक बाबा उसे अपनी साधना से लड़की से लड़का बना देंगे, फिर मैं मीनू की शादी उसके साथ करा दूंगी। भाई ये कैसे हो सकता है चाची जी, ये तो नामुमकिन है। अरे तांत्रिक बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, उनके लिए कोई भी चीज ना नामुमकिन नहीं है। उनके कारनामों के बारे में नहीं सुना तुमने? सुना तो है। अरे पगली इतना क्या सोचना, तू एक काम कर, रात को ना तैयार रहना, मैं तुझे लेने आऊंगी। ठीक है? फिर जब उस रात में अलका के घर पहुंची तो क्या? शायद तुम भूल गई हो, वीडियो ना अब भी हमारे पास है। ब्रॉडकास्ट कर देंगे, ब्रॉडकास्ट। ये क्या किया तुमने? ये मीनू के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा था तो हमने मार दिया। अब हमें मदद कीजिए इसको छुपाने में। आया चल जल्दी चल, चल। फिर पीयूष की बॉडी को हम वहां छोड़कर तांत्रिक बाबा के पास चले गए। बाबा ने अपनी साधना के बहाने उसे मार दिया। क्यों किया?
क्या किया आपने? आपने मेरी अलका को मार दिया। क्यों मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी बेटा। ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया बेटा, ताकि तुम जय के साथ खुश रहो। चलो अरेस्ट करो इसे। Yeah.